नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। दोस्तों अभी हम 8 बजे लाइव आने वाले थे, लेकिन क्या हो रहा है कि अभी बारिश का मौसम हो रहा है, बिल्कुल बारिश आने वाली है, तो इसीलिए लाइव नहीं हो पाएगा। लेकिन कोई बात नहीं, आप कैसे चेक कर सकते हो अपने जन आधार कार्ड के नंबर डालकर, वो अभी हम यहाँ पर देखेंगे और उसी तरीके से आपको करना है। देखो यहाँ पर क्या करना है आपको, सबसे पहले तो ये जो ऑफिशियल वेबसाइट है अपने गवर्नमेंट की, राजस्थान गवर्नमेंट की, वहाँ पर आ जाना है। कैसे आना है अभी मैं वो भी बताऊंगा, लेकिन उससे पहले क्या करना है, देखो ये जो बॉक्स दिया हुआ है यहाँ पर, जैसे आप इसको ओपन करोगे इस वेबसाइट को, तो ये बॉक्स दिया हुआ रहेगा, ठीक है। इसमें क्या करना है आपको, इसमें आपको अपने जो भी जन आधार कार्ड के नंबर है वो इसमें डालने हैं। एक मिनट में डाल के देखता हूँ, जन आधार कार्ड नंबर डालना है, उसके बाद क्या करना है वो भी यहाँ पर देखना। तो यहाँ पर डाल देंगे हम जन आधार कार्ड के नंबर, ठीक है। जन आधार कार्ड के नंबर हमने डाल लिए, जैसे एक मिनट में चेक कर लेता हूँ, 85 83, ठीक है। अब जैसे ही आपने वो नंबर डाल लिया, उसके बाद क्या करना है, देखो ये यहाँ पर ये उसके जस्ट नीचे एक बॉक्स दिखेगा, ठीक है, इस बॉक्स पर क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करोगे, अब आपके उस जन आधार कार्ड में जो भी महिलाएं हैं, चाहे आपकी सिस्टर हो या आप खुद ही हो, है ना, स्कूल में पढ़ती हो, कॉलेज में पढ़ती हो, स्कूल में यहाँ पर दे रखा है कि आप जो है ना किस में, गवर्नमेंट स्कूल में होनी चाहिए, आईटीआई वाली हो तो भी ठीक है, पॉलिटेक्निक, संस्कृत कॉलेज, उसके बाद इसको कॉलेज की गर्ल्स स्टूडेंट जो भी है ना, वो यहाँ पर देख सकते हो आप, ठीक है। इंदिरा गांधी सॉरी मतलब मनरेगा में अगर काम करते हो शहरों में, तो आपके 50 दिन पूरे होने चाहिए। ग्रामीण मनरेगा में काम करते हो तो 100 दिन पूरे होने चाहिए। विधवा एकल नारी पेंशन आपको मिलती है तो भी आप इसके लिए एलिजिबल हो। जैसे अब मान लो मुझे विधवा वाला चेक करना है, हमारे जन आधार कार्ड में मेरी दादी हैं जिनको पेंशन मिलती है, ठीक है। अब उनका चेक करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर क्लिक करेंगे, ठीक है ना, इस पर हम क्लिक कर लेते हैं। जैसे इस पर क्लिक करेंगे, ये सबमिट दिख रहा है, इस पर क्लिक कर दो। सबमिट पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर जो भी महिलाएँ होगी ना उसमें आपको ये करेगा, अभी वो जो आपने सेलेक्ट किया वो ऑप्शन विधवा वाला, उसमें से इनमें से कौन है। तो जैसे मैंने ये वाला मान लो दादी का नाम सेलेक्ट कर लिया। अब जैसे ही सेलेक्ट करोगे ना, तो यहाँ पर देखना ये आ गया, यू आर एलिजिबल फॉर दिस स्कीम, ठीक है। तो अगर आप एलिजिबल हो तो यहाँ पर दिखा देगा ग्रीन स्क्रीन में कि आप उसके लिए एलिजिबल हो। अगर नहीं होगा, अब जैसे मैं दिखाता हूँ यहाँ पर कि ये मतलब सही है या नहीं है। अब जैसे मान ले मैं ऊपर का नाम ही यहाँ पर क्लिक कर देता हूँ, ठीक है, और इसमें सबमिट पर क्लिक कर देता हूँ। जैसे ही करेंगे देखो यहाँ पर आ गया ना, यू आर नॉट एलिजिबल फॉर दिस स्कीम, ठीक है। तो अगर एलिजिबल होंगे तो आपको एलिजिबल ग्रीन स्क्रीन में लिखा हुआ आ जाएगा, ग्रीन शब्दों में, और अगर नहीं होगा तो फिर नहीं की बात है। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है। इन्फॉर्मेटिव वीडियो दे रहा हूँ आपको इसलिए। अब बात करते हैं, ये तो बात हो गई कि आपको ये जो मतलब वेबसाइट कहाँ से मिलेगी, या तो आपको देखो गूगल पर जाकर जन सूचना पोर्टल टाइप कर देना है, लेकिन चलो उसको छोड़ो, नहीं कर पाओ तो डिस्क्रिप्शन में जाना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स जो होता है ना वहाँ पर, और वहाँ पर इस वेबसाइट का लिंक दिया गया है, तो वहाँ पर जाकर आप क्या करोगे इसको इस तरीके से चेक कर सकते हो। बाकी लाइक वाइक करके चले जाना, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए।